नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों आज के लिए आपके लिए लाया हूँ Redmi Note 5 का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूले। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये Redmi Note 5 का बॉक्स है और मैं ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन। MI का लोगो है, इधर MI का फ़ोन है और इधर Redmi Note 5 की ब्रांडिंग लिखी हुई है। बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। बॉक्स के ओपन करने से पहले आपको ये मिलता है क्विक, एक बॉक्स में जो है केस, जो इसका कवर होता है सिलिकॉन का। दूसरा ये फोन है, फोन को साइड पे रखते हैं हम। और ये कुछ यूजर मैनुअल और क्विक स्टार्ट गाइड। एक नॉर्मल USB केबल और ये एक चार्जर। ये चार्जर की पावर रेटिंग है 5V 2A, इसे मतलब कि आपको ये फास्ट चार्जिंग नहीं देता। इधर सिम इजेक्टर टूल दिया गया इधर। तो फोन स्टार्ट होता है तब तक के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, फ़ोन की ओवरव्यू बता देता हूँ। तो आगे की तरफ आपको ये 5.99 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, वो 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो है इसमें। ऊपर की तरफ ये आपको 5 MP का कैमरा दिया गया है। नीचे की तरफ पूरा का पूरा बेजलेस डिज़ाइन है। पीछे मेटल की बॉडी दी गई हुई है और इधर फिंगरप्रिंट सेंसर है। ये ड्यूएल LED फ्लैश है और 12 MP का रियर कैमरा है। और इधर की बात करें साइड में, तो आप देख सकते हो कि इधर टूल है जो हाइब्रिड सिम टूल है और इसमें आप दो सिम कार्ड ही लगा सकते हो, एक मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हो। अगर आपको मेमोरी कार्ड लगाना हो तो एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगा सकते हो इस स्लॉट में। नीचे की तरफ आपको बात करें तो इधर आपको एक प्राइमरी माइक मिलता है, सेकेंडरी माइक और एक माइक्रो USB केबल पावर करने के लिए, और एक स्पीकर मिलता है। ऊपर की तरफ बात करें तो इधर आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है इधर, और इधर आई आर ब्लास्टर है, इधर माइक्रोफोन है। तो इधर वॉल्यूम ब्रोकर है और पावर बटन है। तो मैं इसे फ़ोन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। इसमें कैपेसिटी बटन इंटरनल डिस्प्ले के अंदर ही है बटन, और ये हम देख सकते हैं। सेटिंग पे जाके देख लेते हैं इसकी।
क्या क्या इसमें दिया गया है इसे, तो आप देख सकते हो कि इसमें एंड्रॉयड का 7.1.2 नोगट वर्जन दिया गया है और MIUI 9 है। और आप देख सकते हो ये मेरा वेरिएंट है 4GB वाला, इसलिए 4GB रैम है इसमें। इसमें CPU है ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है। दूसरी इसमें बात करें इंटरनल स्टोरेज 64GB है। हम देख लेते हैं इसमें स्टोरेज एक बार, तब देख सकते हो इधर आपको 54GB अवेलेबल दिखाई दे रहा है, टोटल 55 है बाकी सिस्टम में है। एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें सभी एप्लीकेशन MI के और गूगल के एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इधर सिक्योरिटी के एप्लीकेशन आपको मिलते हैं, इधर आपको एक गूगल के एप्लीकेशन, यूट्यूब, सभी एप्लीकेशन सभी को आपको मिल जाती है इसमें। और दूसरी कोई बात करें तो इसमें 18:9 एक्सपेक्ट रेशियो है, फुल HD डिस्प्ले दिया गया है इस फोन में। बाकी बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो मैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर चेक कर लेता हूँ। ये फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है, हमारा रेडमी नोट 5। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं ऐसी रोज़ एक वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।